नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों आज है 15 अगस्त 2019। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दोहरी बधाई देना चाहता हूं, दो बार बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन भी है। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ रक्षाबंधन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों चलिए उत्तराखंड करंट अफेयर के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो उत्तराखंड का पहला करंट अफेयर है वो है शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को कौन सा सम्मान दिया जाएगा। जी हाँ, शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को सेना मेडल के लिए चुना जाएगा। वह देहरादून के निवासी थे हाल में, लेकिन मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के रानीखेत तहसील के अंतर्गत पीपली गाँव के रहने वाले थे। विगत 16 फरवरी 2019 को कश्मीर के रजौरी में IED धमाके में वो शहीद हो गए थे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी हमारा सेना से ही है, एक शहीद से ही है। शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल को कौन सा सम्मान दिया जाएगा। तो शहीद मेजर विभूति शंकर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। वो 18 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए थे। मेजर विभूति सेना के 15RR राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। वह हालिया निवासी देहरादून के थे, लेकिन मूल रूप से पौड़ी के बैजरोड ढौंड गांव के रहने वाले थे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट सेवाओं के लिए कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो उत्तराखंड के 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें पूरन सिंह रावत जो पुलिस महानिरीक्षक है अपराध अनुसंधान विभाग, और बिमला गुंजयाल पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना मुख्यालय देहरादून। इसके साथ 5 अन्य पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों यह तो हमारे आज के उत्तराखंड के करंट अफेयर थे। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लॉन्च किए जाने के साथ साथ किस मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है। तो यह किया गया स्वच्छ नगर ऐप को, ठीक है। इसका जो लॉन्च किया है वह किया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के लिए, कार्य मंत्रालय द्वारा। और इस ऐप पर लोग घरों का कचरा उठाने के लिए सरकारी वाहन को बुला सकेंगे। स्वच्छता पर सेवा स्तरीय प्रदर्शन की निरंतर निगरानी के साथ शहरों के जमीनी प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया जा रहा है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2019 का संस्कृत दिवस कब मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन आज 3 दिवस मनाए जा रहे हैं। पहला स्वतंत्रता दिवस, दूसरा रक्षाबंधन और तीसरा आज संस्कृत दिवस भी मनाया जाएगा। हालांकि यह दिवस अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बार बार चेंज होता है, लेकिन संस्कृत दिवस एक्चुअल में प्रत्येक वर्ष सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो सावन माह की पूर्णिमा आज है, तो 15 अगस्त को ही आज संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है। संस्कृत भाषा का उदय भारत में लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि पहला विश्व संस्कृत दिवस 1969 में मनाया गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में गोगाबील को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। तो गोगाबील बिहार राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित हुआ है। गोगाबील एक स्थायी जल निकाय है। यह बिहार के कटिहार जिले में स्थित है, जिसके उत्तर में महानंदा और कनखर तथा दक्षिण पूर्व में गंगा नदी बहती है। तो आपको याद है कि गोगाबील से आपको हमेशा बिहार ही याद आना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस IIT के शोधकर्ताओं ने पहली बार एनोड के रूप में हल्के स्टील का प्रयोग करके रिचार्जेबल आयरन आयन बैटरी का निर्माण किया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, बैटरी में ये 2 आयन होते हैं, एनायन एंड कैटायन, एनोड एंड कैथोड। तो IIT मद्रास, IIT चेन्नई के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने पहली बार एनोड के रूप में हल्के स्टील का प्रयोग किया है, जिसका यूज रिचार्जेबल आयरन बैटरी में किया जाता है। तो दोस्तों यह तो हमारे प्रश्न थे। अब मैं आपको रोज की तरह कुछ वन लाइनर बता दूं। इस वन लाइनर से मुझे लगता है कि हमारे जो करंट अफेयर है वो ज्यादा कवर हो जाते हैं। पहला, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT, बिल्कुल इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, के तहत अब 24 घंटे ट्रांसफर की सुविधा आपको दिसंबर 2019 से शुरू हो जाएगी। अभी तक यह बैंकिंग टाइम्स में ही होती है। उसके बाद भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 36 रन से शिकस्त देकर T20 शारीरिक दिव्यांगता विश्व श्रृंखला
क्या खिताब जीत लिया है, यह पहली बार हुआ है ऐसा। विश्व, तीसरा हमारा जो वन लाइनर वो है विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद आज का हमारा जो लास्ट वन लाइनर है वो है प्रत्येक 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको हमारी आज की यह वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज जो 15 अगस्त के प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के आपके कुछ करंट अफेयर होंगे वो मैं कल की वीडियो में अपडेट कर दूंगा। तो इसी आशा के साथ कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।